और अभी गाइस अभी मैं सुन रहा हूँ, मतलब बहुत सारे वीडियो भी देख रहा हूँ, बहुत सारे वो भी आ रहे ट्रोल कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले, अब बैटिंग करने जा रहा हूँ। ये देखो इतना बड़ा हथियार लेके जा रहा है, बहुत बड़ा बैट है, तो आप देखते हैं मार रहा है। अगर ऑक्शन में आ गया रोहित शर्मा सर, बहुत महंगे, सबसे महंगे प्लेयर बिकेंगे, मेरा इतना गारंटी भाई। गुलामी ना होवे देख किसे साड़े की सुन तेरे यार राव साहब है। सो गाइस स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। गाइस अभी सुबह अभी के 1 बज रहा है और अभी मैं सो के उठा हूं, और ये देखो यहां पे कुछ बच्चे लोग, यहां पे बच्चे लोग खेल रहे हैं और उनके साथ ये बड़े लोग भी खेल रहे हैं, बेशरम हो चुके हैं। मतलब बड़े लोग में तो खेल नहीं पाते, अब छोटे लोग में खेल रहे हैं। ये देख रहे हो, ये देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो किस तरफ आ गए, सुधरेंगे नहीं मतलब। लेकिन इनको देखिए एक अलग मजा आता है कि बचपन का याद आता है, हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे। तो चलो फिर थोड़ा हम भी बैट बॉल खेलेंगे, अभी थोड़ा पुराने दिन याद करेंगे ना, इसका देख के ना अच्छा लगता है, मजा आता है। काश हम भी अभी छोटे होते, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि यार कब बड़े हो जाएंगे, कब पैसा कमाए, कब ये करे, कब वो करे। लेकिन अब जब बड़े हो गए ना तभी ऐसा सोचते कि यार नहीं यार छोटे ही सही थे, इससे चल छोटा कॉलेज दिन स्कूल जाते थे वो अच्छे दिन, वो ही मजा आते थे। चलो अब हम भी इन बच्चों में थोड़ा खेलेंगे, टाइम पास करेंगे थोड़ा। दो टीम बन चुकी है और अभी हमारी बैटिंग चल रही है। देखो हमारी ये तीन, ए भाई इधर ही घुमा रहा है बैट, अपने प्लेयर को ही मार रही है। तो बिल्डिंग को पूरा क्रिकेट जीतना है, तो गाइस हमें किसी भी हालत में जीतना है। गाइस देख रहे हो 1 करोड़ की बिल्डिंग के नीचे को पूरा ग्राउंड बना दिया सब लोग ने। देखो पूरे छोटे से बड़े सब आगे खेलने के लिए। जिस तरह गोकुल धाम में सब टप्पू सेना खेलते ना, तो वैसे ये देखो यहाँ पे भी पूरा खेला जा रहा है। छोटी सी जगह है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और जिसको बॉल शेक रहा है ना बहुत जोर से लग रहा है, प्लास्टिक का बॉल है बहुत जोर से लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है छोटी सी जगह में खेलने में। तो गाइस अब बैटिंग करने जा रहा हूँ, ये देखो इतना बड़ा हथियार लेके जा रहा है, बहुत बड़ा बैट है, तो आओ देखते हैं। तो गाइस ये है तेंगे, तेंगे तेंगे भाई को अभी स्ट्राइक मिल गई है, तो देखो अब क्या करता है ये। नहीं आउट ही हुआ, अच्छा है अच्छा है। तो गाइस दो रन, आ गया कशिश। ऐसे करती है लोग, आउट हो जाता अभी। गया लो। तो गाइस अभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा इंटरवल चालू हो गया, जैसे पिक्चर के बीच में इंटरवल आता है ना ब्रेक, तो ऐसे ब्रेक आ गया वहाँ पे। देखो उनकी मम्मी आगे चिल्ला रहे हैं, तो ये तो हर बिल्डिंग की कहानी है। तो गाइस लास्ट के एक लास्ट ओवर बचा है, तो देखते कितना रन मारा जाएगा। तो गाइस हमारी बैटिंग खत्म हो चुकी है, साले ने बॉल खींच के पीठ पे मारा बहुत जोर से लगा, तो अभी रन पता नहीं कितना बना है। ए रन कितने डाले, 50 रन मैंने अकेले ने मारा, लेकिन 42 ही रन हुआ सिर्फ। इसे देख रहे हो ये बच्चों में, जैसे वो किंग किंग खली है ना, देखो उसकी तरह सब सब बच्चे देख रहे हो, आजू बाजू सब चिल्ली बिल्ली और यही काला सांड, वहाँ पर काला गोरिल्ला दिख रहा है मेरे को, देख रहे हो सब जैसे ठीक है, जैसे एक पैर उठा है सब बच्चों पे रख दिया, सब चपटे हो जाएंगे। तो कहता अभी बेमानी कर रहा है, बोल रहा है दो टप्पा है, बच्चों लोग में भी चिढ़ रहा है। आउट है, चल आउट है, चल आउट है, आउट है,
आउट है, स्टंप डालो सर, बेस पे बैट डालो, आउट है, आउट है, आउट है। अब देखो फिर से आपके सामने प्रूफ दिखाऊंगा। नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है, उसको बेचारे को बैटिंग ही नहीं दे रहे, रन भी नहीं भाग रहा है और चुपचाप यहाँ बैट लेके खड़ा, रन ही गिन रहा है सिर्फ। गाइस मैं इतने मेहनत से बॉलिंग डाल रहा हूँ, जैसा लग रहा है टीम जीती जाएगी, लेकिन पता नहीं छक्के छक्के ही आते जा रहे हैं, बच्चों में भी हार रहा हूँ मैं। हे गाइस फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस अभी मैंने देखा हमने जो पिछले वीडियो डाले थे ना रोहित शर्मा सर का और हार्दिक पांड्या की कौन सबसे बेस्ट कैप्टन है, तो उसी के ऊपर बहुत सारे ट्रोल आए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो सब बोल रहे हैं कि मैंने हार्दिक पांड्या को मतलब बहुत बुरा दिखाया, मतलब ऐसा, और रोहित शर्मा सर को अच्छा दिखाया। भाई मैंने कुछ नहीं, मैंने तो उल्टा दोनों जन का अच्छा ही बोला कि दोनों जन अच्छे कैप्टन है, इंडिया के लिए खेलते हैं, तो उल्टा मैंने बोला कि हार्दिक पांड्या सर को भाई इतना हेट क्यों मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए सब। और बाकी जो मैंने वो वोटिंग लिया, बाकी सब मेरे दोस्तों करा लिया, तो भाई सब लोग ने रोहित शर्मा सर को सपोर्ट किया, तो सब लोग उस पर बोल रहे हैं कि मैंने रोहित शर्मा सर का साइड लेके बोला, मैंने किसी को जबरदस्ती तो नहीं किया। और भाई ऐसा है, देखो रोहित शर्मा सर की वजह से आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफियां जीती है, देखो ठीक है, और मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा सर की वजह से भी फेमस है, जैसे कि चेन्नई में धोनी सर हो गए, उनकी वजह से चेन्नई बहुत फेमस है, आरसीबी में विराट कोहली सर है, उनकी वजह से फेमस है, और जैसे कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, तो इन सब की वजह से फेमस है भाई। और अभी आप कैप्टनसी हटा दोगे, हार्दिक पांड्या को दे दोगे, तो भाई थोड़े फैंस तो नाराज होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हेट दो, ऐसा कुछ नहीं। रोहित शर्मा सर भी इंडियन प्लेयर है, हार्दिक पांड्या सर भी इंडियन प्लेयर है, तो दोनों के लिए रिस्पेक्ट एक ही है मेरे लिए, ऐसा नहीं कि मैं रोहित शर्मा सर का फैन हूँ तो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और रही बात जो कैप्टनसी की है, तो भाई कैप्टनसी दे दिया तो चलो ठीक है, बट बहुत लोग बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी इसलिए दिया क्योंकि रोहित शर्मा सर आगे जाके रिटायरमेंट, तो बट उनको अभी रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना रिटायरमेंट ले लेंगे, अभी थोड़े साल और उनको कैप्टन रहने दिए होते, तो धीरे धीरे चलो कोई नहीं, लेकिन अब दे दिया तो अच्छी बात है, उसमें कुछ नहीं है। और अभी गाइस अभी मैं सुन रहा हूँ, मतलब बहुत सारे वीडियो भी देख रहा हूँ, बहुत सारे वो भी आ रहे ट्रो कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले, तो भाई ये अब सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बहुत सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस अभी छोड़ने वाले, अब दूसरी टीम में जाएंगे ऐसे शायद, तो पता नहीं शायद हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन भाई अगर ऑक्शन में आ गया रोहित शर्मा सर बहुत महंगे, सबसे महंगे प्लेयर बिकेंगे मेरा इतना गारंटी भाई, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा आएंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस ऑक्शन में नहीं जाने देगी रोहित शर्मा सर को, चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस रही बात हार्दिक पांड्या की, उन्होंने भी गुजरात टाइटंस को अपना पहले ही सीजन में ट्रॉफी दिलाया था, बोलो आईपीएल में, तो वो भी मतलब कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, बस बता रहा हूँ यार मतलब। और मैंने जो आप लोग बोल रहे हो ना कि मैंने अपने दोस्तों से राय पूछी थी, तो उनका राय था भाई, सब लोग रोहित शर्मा सर को मतलब जानते, मुंबई इंडियंस उनके वजह से फेमस है, तो सब लोग उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब बहुत सारे लोग खुश नहीं है क्योंकि कैप्टनसी हार्दिक को दे दिया इस साल, हार्दिक पांड्या सर को दे दिया, तो कोई नहीं होता है भाई आईपीएल है, बट मेरा इतना मानना है गाइस कि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा को जाने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर तो ऐसा लगेगा आईपीएल देखूं ही नहीं, मन नहीं करेगा, ठीक है, तो इन्हीं की वजह से तो आईपीएल देखते हैं, तो अब ये भी नहीं रहेंगे मुंबई इंडियंस तो फिर मज़ा, और दूसरे टीम में, और अगर दूसरे टीम में चले भी गए तो उतना मन नहीं लगेगा यार देखने के लिए, जो मुंबई इंडियंस में एक अलग ही जोश रहता है ना देखने के लिए, तो अलग मज़ा आता था वो देखने में उनको, तो चलो फिर बाकी मेरे को होप करता हूँ आपको समझ आ गया रहेगा, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ गाइस, जो है सबके लिए इक्वल इज्जत है, ठीक है, दोनों इंडियन प्लेयर है, सभी इंडियन प्लेयर है, सबको रिस्पेक्ट है भाई, चाहे वो अच्छा खेले चाहे बुरा खेले, लेकिन रिस्पेक्ट है भाई, ऐसा नहीं कि आज अच्छा खेला कल बुरा खेला तो बुरा खेलने के टाइम पे उनको गालियां दो, ये बुरा अपशब्द कहो, ये नहीं है भाई, क्योंकि जब अच्छा खेलते तो हम लोग तारीफ करते, बुरा खेलते भाई चलो एक ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि एक दिन अच्छा खेला तो हमेशा अच्छा खेलेंगे, कभी ना कभी थोड़ा डाउनफॉल आता ही है, ठीक है, तो बाकी चलो फिर होप करता आपको समझ आ गया रहेगा, ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हो दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।